टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे फिल्म सिंघम रिटर्न्स की। बता दें कि 2011 में आई सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स उसकी एक सीक्वल थी। सिंघम का किरदार लोगों को काफी पसंद आया था। एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी जो दुनिया से लड़ लेता है अपनी ईमानदारी के लिए। इसमें आपको अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखी और इन दोनों की ये जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई। आज हम आपको कुछ रीजंस बताते हैं कि ये फिल्म क्यों इतनी बेस्ट है। अजय देवगन को बाजीराव सिंघम के रूप में देखना वैसे भी दर्शकों को काफी पसंद है। एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के किरदार में अजय देवगन ने इस किरदार के साथ पूरी इंसाफी की है और यही वजह है कि ये फिल्म और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। फिल्म के एक्शन और डायलॉग्स दर्शकों को काफी पसंद आया और ये काफी सराहनीय भी है। रोहित शेट्टी के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म वैसे भी एक्शन मूवीज के लिए जानी जाती है और इसीलिए इस फिल्म के सारे एक्शन और डायलॉग्स काफी बेटर है। करीना कपूर का भी रोल इस फिल्म में काफी बेटर है, यानी कि करीना कपूर भी फिल्म में काफी अच्छे रोल में नजर आई हैं। तो वहीं फिल्म के गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए थे। तो ये है कुछ रीजंस जिसकी वजह से आप सिंघम देखने को मजबूर हो सकते हैं। आप सिंघम रिटर्न्स जरूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।